मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा हो जाएगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे अभी लाइक करें और कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखें। मेरे बच्चे, आज मेरे पास तुम्हारे लिए जो संदेश है वो बहुत खास है। ये संदेश आपके जीवन में काम आएगा। यह आपके लिए बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इसे पीछे छोड़ने की गलती मत करना, मेरे बच्चे। जैसे जैसे आप सफलता के लिए प्रयास करते हैं, ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपके प्रति आक्रोश और गुस्सा रखते हैं। अपनी उपलब्धियों से उत्पन्न होने वाली ईर्ष्या से पीड़ित हों। हाँ, ये ईर्ष्या आपकी सफलता के मूल्य का भी प्रमाण है, क्योंकि ये दूसरों में शत्रुता जगाती है। आज मैं आपको ये याद दिलाने आया हूँ कि आपकी सफलता ने कई लोगों को ईर्ष्यालु बना दिया है, फिर भी आप निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जल्द ही एक नई ऊर्जा आपके दिल में प्रवेश करेगी जो आपके विचारों और व्यक्तित्व को फिर से जीवंत कर देगी, क्योंकि यह ऊर्जा प्यार है, मेरे बच्चे। मैं इसे तुम में देखता हूँ जो खुद को प्यार कर रहा है भूल गया है, और यह स्पष्ट है कि आप खुद को उससे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं जो आप वास्तव में हैं। हालांकि मेरे बच्चे, तुम ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। स्वतंत्रता को गले लगाओ, विशाल आकाश में उड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि स्वतंत्रता ही आपका जन्म है। मूल्य अंतर्निहित मूल्य हैं और आपको यह नहीं भूलना चाहिए। वे आपकी पहचान परिभाषित करते हैं। आइए जानते हैं प्यार का मतलब। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो वो पल आपके अस्तित्व का शिखर बन जाता है। क्या आप सचमुच कभी सोए हैं? नहीं, क्योंकि उस पल में आप निश्चित हो जाते हैं कि वास्तव में यह वो व्यक्ति नहीं है जिससे आप प्यार करते हैं, बल्कि यह वो खुशी है जो फैलती है। आपका आत्म आश्वासन बढ़ता है और आपको अपने अस्तित्व का सार पता चलता है। आप खुद से प्यार करते हैं और अपने विकास का पोषण करते हैं। सीखो मेरे बच्चों, प्रेम की वही ऊर्जा एक बार फिर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। अपने प्रामाणिक स्वभाव से जुड़ने वाले एक बच्चे की तरह, आप जल्द ही अपने दिल में छिपे प्यार की खुशबू के प्रति इस गहन जागृति का अनुभव करेंगे। इसे आने दें। यदि आप वास्तव में इस प्रेम ऊर्जा की शक्ति को समझते हैं, तो आप आत्म साक्षात्कार की दिशा में अपनी यात्रा को तेज कर देंगे। जान लें कि मेरा प्यार हमेशा आपके साथ है। इसे एक एक करके लिखें, घोषणा करें कि आप असीमित आकाश में उड़ने के लिए तैयार हैं। इसे 888 के साथ लिखें। संख्या, महादेव जी का प्रेम मुझ पर बरस रहा है, और अब समय आ गया है कि आपके शत्रु, जिन्होंने आपको कष्ट और पीड़ा दी है, वे अपने कार्यों का परिणाम भुगतें। आपको नुकसान पहुंचाने की उनकी कई कोशिशों के बावजूद, अब वे आपको अंधकार और दुख के गर्त में धकेलने के उद्देश्य से लगातार आपको नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्भाग्य से वे आपको दुखी देखकर आनंद प्राप्त करने में कुछ हद तक सफल हो गए हैं। हालांकि अब वे स्वयं, यदि आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं तो कृपया हाँ लिखकर और इस दिव्य संदेश को लाइक करके अपने प्यार की पुष्टि करें। तुम मेरे प्रिय हो और तुम्हें ठेस पहुंचाने वाले को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद आप दूसरों के लिए अच्छा करना जारी रखते हैं, और मुझे विश्वास है कि अच्छाई आपके जीवन में भी प्रकट होगी। इस मूर्ख व्यक्ति ने आपको बर्बाद करने की कोशिश में बहुत समय बर्बाद किया। उनकी एकमात्र इच्छा आपका पतन थी, लेकिन आपको नीचा दिखाने और अपमानित करने की कोशिश में वे इतने नीचे गिर गए हैं कि उनके अपने सहयोगी भी उनके खिलाफ हो गए हैं। तुम्हें बर्बाद करने के उनके जुनून ने उन्हें इस हद तक अंधा कर दिया है कि उन्हें ये भी एहसास नहीं है कि वास्तव में उनके पतन का कारण कौन है। मेरे प्रिया, मुझे पता है कि उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कितनी परेशानी दी है। मैं चाहता तो उन्हें रोक सकता था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि वे कितनी दूर तक जाएंगे, और आपका अटूट धैर्य, साहस और महादेव जी पर विश्वास आप देखेंगे, और वास्तव में आपकी जीत हुई है, क्योंकि महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति, विश्वास और विश्वास सच्चा साबित हुआ है। आपको कभी संदेह नहीं हुआ कि एक दिन महादेव जी इस दुष्ट को उसके कृत्यों का दंड देंगे, और उसके पापों पर आपका विश्वास स्थापित हो गया है। प्याला अब भर गया है और उन्हें अपने प्रत्येक दुष्कर्म के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। निश्चिंत रहें कि उन्होंने आपके लिए जो सोचा था उससे कहीं अधिक आपको मिलने वाला है। जिस व्यक्ति को आपसे लिया गया है, उसने लोगों की नजरों में आपकी प्रतिष्ठा धूमिल करने की कोशिश की है।
दुनिया अपनी प्रतिष्ठा में गिरावट का अनुभव करने के कगार पर है। बैठो मेरे प्यारे बच्चे, आपके दुश्मन की जिंदगी में भी कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। अत्यधिक अहंकार रखने वाला यह व्यक्ति एक शक्तिशाली सबक सीखने वाला है जो उसके स्वयं को प्रभावित करेगा। इससे उनकी महत्ता की भावना चूर चूर हो जाएगी। यह उनके गलत कार्यों का परिणाम है। एक बार जब उन्हें अपने कार्यों का परिणाम भुगतना पड़ेगा तो उनका जीवन और भी बेहतर हो जाएगा। हालांकि वे अविश्वसनीय रूप से जिद्दी हैं। वे अपनी गलतियों को स्वीकार करने से इनकार करते हैं और बाकी गलतियों को स्वीकार करने से लगातार इनकार करते हैं। सभी चीजों से ऊपर खुद को प्राथमिकता दे मेरे बच्चों। मेरा विनम्र अनुरोध है कि आपको ये संदेश पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना आभार व्यक्त करें। जिस तरह से इस व्यक्ति ने आपकी परिस्थितियों और समस्याओं का मजाक उड़ाया है, उन्हें जल्द ही एहसास होगा कि आपने कितना नुकसान पहुँचाया है और आपको कितना नुकसान उठाना पड़ेगा परिणाम। मैं समझता हूँ कि आप खुले दिल वाले शांत और दयालु व्यक्ति हैं। हाँ, आप एक दिव्य और पुण्य आत्मा हैं जो सभी का कल्याण चाहती हैं और किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखती हैं। आप सभी को प्यार। लेकिन मेरे प्रिय, हर कोई आपकी भावनाओं को साझा नहीं करता। आपकी सफलता और खुशी कई लोगों के लिए ईर्ष्या का कारण बन जाती है। संसार लोभ, मोह, क्रोध, घृणा आदि से भरा हुआ है। हर किसी के पास तुम्हारे जैसा दिल नहीं होता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और उनके दुख में दुखी होता हूँ, इसलिए मैं हर वक्त तुम पर नजर रखता हूँ। मुझे तुमसे बहुत लगाव है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अगर हाँ तो ईमानदारी, आपका नाम बियाई, पता है कि आपके अंदर कुछ हुआ है। आपका वातावरण किसी बाहरी व्यक्ति के प्रभाव के कारण आपके वातावरण में सुख शांति कम हो रही है। आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने फैसले से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा करता है। यह व्यक्ति आपके पूरे परिवार में अशांति फैला रहा है। मैं समझता हूँ कि उनके इरादे दुर्भावनापूर्ण नहीं हैं, लेकिन बाहरी लोग आपके घर में कलह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बच्चों, ये सच है कि जब परिवार में कलह होती है तो व्यक्ति मानसिक रूप से उत्तेजित और क्रोधित हो जाता है। हालांकि अराजकता फैलती है, लेकिन डरो मत, क्योंकि अब आप चिंताओं से मुक्त हैं। आपके घर में प्रचुर सकारात्मकता और विश्वास है जो इसे नकारात्मक ऊर्जाओं और प्रभावों से अप्रभावी बनाता है। मेरे बच्चे तुम्हारे हैं। मुझ पर अटूट विश्वास, प्यार और विश्वास अटूट है। संकट और विपत्ति के समय आपने हमेशा मुझे बुलाया है और मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहा हूँ। अगर परिवार में एक भी सदस्य धार्मिक है, ईश्वर में आस्था रखता है और रास्ते पर चलने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है, यदि हाँ तो इसका पूरे परिवार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अथक प्रयासों के बावजूद भी आपके शत्रु अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने में असमर्थ रहे हैं। मेरे बच्चे असफल हो जाते हैं क्योंकि मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा आपके परिवार के साथ है। आज मेरे पास असाधारण समाचार है। हालांकि मुझे लगता है कि इस खबर को साझा करने से पहले आपके लिए अपने बारे में और अधिक समझना जरूरी है, क्योंकि आपका भविष्य इसी पर निर्भर करता है। मैं उन बच्चों को विशेष उपहार देता हूं जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूं। इससे मुझे खुशी होती है। ज्यादातर बच्चे पैसा, प्यार और अच्छा शरीर जैसी चीजें मांगते हैं, लेकिन कुछ खास बच्चे भी होते हैं जो मुझसे अनोखी चीजें मांगते हैं। इन विशेष बच्चों को मुझसे तीन बहुत ही दुर्लभ चीजें मिलती हैं। पहली बात यह है कि सच्ची भक्ति में खो जाओ, जिसका अर्थ है कि वे मुझे पूरे दिल से प्यार करते हैं और मेरी पूजा करते हैं। दूसरी बात है एक विशेष विचार या भावना का होना जो दुनिया को बदल सके या लोगों की मदद कर सके। तीसरी चीज है ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की शक्ति। मेरे पास यह विशेष उपहार है। मैं इसे केवल अपने सबसे अच्छे और योग्य बच्चों को देता हूँ। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वे खुश हैं और उनकी अच्छी देखभाल की जा रही है। इससे पहले कि मैं उन्हें यह उपहार दूँ, मैं ये देखने के लिए उनका परीक्षण करता हूँ कि क्या वे तैयार हैं। तो अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं और यह विशेष उपहार पाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को 5 लोगों के साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका छोटा सा प्रयास इस दुनिया में किसी की मदद कर सके।
लोग जो चाहते हैं उसे पाने के लिए ही मेरी पूजा करते हैं, लेकिन जो मुझसे सच्चा प्यार करते हैं और बदले में कुछ भी न चाहते हुए मेरी पूजा करते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके लिए पैसा और भौतिक चीजें महत्वपूर्ण नहीं हैं। वे समझते हैं कि वे मुझसे जुड़े हुए हैं और मेरा ही एक हिस्सा हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप इस समय मेरा ये दिव्य एवं असाधारण संदेश देख रहे हैं तो यह महज संयोग नहीं है। मेरी उत्कट अभिलाषा है कि यह संदेश इसी क्षण आप तक पहुंच जाए। तैयार रहो मेरे प्यारे जय, क्योंकि कल सुबह आप ऐसी खबर सुनेंगे जो आपके जीवन का एक नया चरण शुरू करते समय आपके दिलों को अत्यधिक खुशी से भर देगी। सभी संदेह और अनिश्चितताएं दूर हो जाएंगी और आप सदमे की स्थिति में रहेंगे। नए दरवाजे खुलेंगे जो आपके दिमाग को खोल देंगे। आपको ऐसे अवसरों और आशीर्वादों तक पहुंच प्रदान करेगा जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जीवन थोड़ा अधिक आरामदायक हो जाएगा क्योंकि कुछ चीजें स्वाभाविक रूप से आपके पास आएंगी। हाँ मेरे बच्चे, तुम कुछ ऐसा हासिल करोगे जो कभी तुम्हारे लिए अकल्पनीय था। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ, समृद्धि और प्रचुरता तुम्हारे विनम्र जीवन को सुशोभित करें। निवास, आपके निजी रिश्ते मधुरता से भरे रहेंगे और आप दयालुता के कई कार्य करने की क्षमता रखेंगे। आप जो शब्द सुनेंगे वे केवल प्रशंसा और प्रशंसा के होंगे और आपका हृदय बेलगाम आनंद से भर जाएगा। क्या आपको ये दिव्य ऊर्जा प्राप्त हो सकती है जो उस अपार ईमानदारी के कारण प्राप्त हुई है जिसके साथ आपने इसका अनुसरण किया है? अपने आप पर और महादेव जी पर विश्वास रखें और इस वर्तमान क्षण को ऐसे स्वीकार करें और आभार व्यक्त करें। मेरे बच्चे, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और प्रचुर धन का प्रवाह निश्चित है। आज आप जो कुछ भी लिखने के लिए चुनते हैं वो निस्संदेह आपकी वास्तविकता में प्रकट होगा। जिस व्यक्ति का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो अंततः प्रकट होगा और धन का प्रवाह पानी जितना प्रचुर होगा जो जीवन को बनाए रखता है। नंबर 8, यह एक प्रतीक लिखें जो तेजी से इन आशीर्वादों को आकर्षित करता है। हाँ मेरे बच्चों, दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने और मोहित करने की आपकी क्षमता अनायास ही बदल जाएगी। यह आपके अद्वितीय गुण और कार्य हैं जो इन सभी अविश्वसनीय चीजों को आपके जीवन में लाएंगे, क्योंकि आप लगातार खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। आपकी आभा हर गुजरते दिन के साथ अधिक सकारात्मक और दिव्य होती जाती है। मेरी प्यारे बच्चे, तुम अचानक स्वभाव से चंचल हो गए हो और परिणामस्वरूप सफलता तुम्हारी मुट्ठी में होगी। हंसी तुम्हारी निरंतर साथी बन जाएगी और तुम अपने आसपास के लोगों के लिए खुशियां लाएंगे। आप जो भी चाहेंगे वो आपकी पहुंच में होगा। जिस प्रकार एक चुंबक स्वाभाविक रूप से वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार आपके पास अपने जीवन में लोगों, धन, सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों को आकर्षित करने की क्षमता होगी। जैसे जैसे आप सकारात्मक कार्यों में संलग्न रहेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, आपकी प्रतिभाएं निखरेगी और आपकी आंतरिक शांति बढ़ेगी। उस दिव्य ऊर्जा को अपनाएं जो आपको भर देती है। आपके जीवन के सभी पहलुओं में सुधार होगा। डॉट, ये सब आपके हृदय की दिव्य कार्य प्रणाली के कारण है। संख्या 8 से लिखें और पुष्टि करें कि आप दिव्य ऊर्जा से भर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा महसूस होता है जैसे आप इस समय वास्तविकता से थोड़ा अलग हो सकते हैं। आपके विचार सकारात्मकता से भरे हुए हैं और आप अपने आसपास के लोगों को दिव्य आत्मा मानकर उन पर विश्वास करते हैं। हालांकि आपके भीतर थोड़ी बेचैनी है, जैसे कि आप सामान्य से अधिक किसी चीज के लिए तरस रहे हों। आप दिव्यता की भावना महसूस करते हैं और अपने घर और परिवेश में बदलाव लाना चाहते हैं। मेरे प्रिय, जब भी आपके आसपास के लोग खुद को कठिन परिस्थितियों में फंसा हुआ पाते हैं तो आप स्वचालित रूप से उनकी ढाल और समर्थन प्रणाली बन जाते हैं। आप उनके सपनों का समर्थन करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें डरने का कोई कारण नहीं है। यदि आपको मुझ पर विश्वास है तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आज के दिव्य संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यही कार्य आपको यह आश्वासन देगा कि महादेव जी की शक्तियाँ आपका समर्थन कर रही हैं और आपके भीतर मौजूद किसी भी डर को दूर कर रही हैं। ब्रह्मांड में ऐसे कई ग्रह हैं जिनकी स्थिति और स्वभाव में इस समय बदलाव हो रहा है। इनमें से कुछ बदलाव आपकी यात्रा में आपका समर्थन करना जारी रख सकते हैं।
याद रखें, आपने अपनी मेहनत से सफलता की रफ्तार पकड़ी है, अवश्य ही उजागर होगा। अब चमकने की बारी आपकी है, आपको किसी विपत्ति या पराजय का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने जो भी कल्पना की है वह जल्द ही सफलता की खुशी के साथ साथ आंतरिक शांति, खुशी की गहरी भावना के साथ होगी और खुशी ही आपकी खुशी और समृद्धि होगी। प्यारे बच्चों, आपने जो रास्ता चुना है वह आपको सीधे आपकी मंजिल तक ले जाएगा। दूसरों की खुशी के लिए आपके निस्वार्थ और निरंतर विचारों ने महादेव जी की शक्तियों का ध्यान आकर्षित किया है। वे अब 3 बार धन्यवाद लिखकर आपका अच्छा धन्यवाद सुनिश्चित करेंगे और सच्चे मन से अपने महादेव जी को याद करें। आप बहुत धैर्य से किसी चीज का इंतजार कर रहे थे और इसीलिए आज आपके पास ये संदेश आया है। आपका इंतजार खत्म होने वाला है। मेरे बच्चों को ये समझना चाहिए कि परिस्थितियां अचानक आपकी इच्छानुसार बदल रही हैं। जब पानी गिरता है तो प्राकृतिक रूप से अपना रास्ता ढूंढ लेता है, उसी प्रकार आपके जीवन में भी चुनौतियों से निपटने और अपना रास्ता खोजने की जन्मजात क्षमता होती है, एक विशेष ऊर्जा होती है। आपके जीवन में भ्रम पैदा कर रहा है, लेकिन जल्द ही भ्रम टूट जाएगा। जो व्यक्ति आपको लगातार भ्रमित कर रहा है वह आपके जीवन से दूर हो जाएगा। जो आपकी प्रगति में बाधा बन रहा था वह अचानक पूरा हो जाएगा। सभी नकारात्मक पहलू जो परेशान करते हैं आपके प्राण निकल जाएंगे, जिससे शुभ और दैवीय घटनाओं का मार्ग प्रशस्त होगा। मेरे बच्चे कुछ हद तक महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आपका लंबा इंतजार जल्द ही खत्म हो जाएगा। देखते रहिए कि अपने दिन कैसे बदलें। मैं एक दिव्य ऊर्जा से जुड़ रहा हूं, जो लगातार मेरा मार्गदर्शन करती है और जो कुछ भी इस संदेश के माध्यम से बताया गया है सत्य सत्य है। इसलिए मैं आपसे इसे पूरा पढ़ने का आग्रह करता हूं। आप में से जो लोग इस दिव्य संदेश की सराहना करते हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आप टिप्पणियों में महादेव जी लिखकर प्रतिक्रिया दें। ऐसा लिखकर, ऐसा करके मैं व्यक्तिगत रूप से सभी को पूरा करता हूं। आपकी इच्छाएं मैं पूरा करूंगा और मेरा आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर हमेशा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, किसी का अहंकार नहीं है। कोई है जो आपको कुछ देना चाहता है और आपके अवचेतन मन की गहराई में यह व्यक्ति लगातार जुड़ा हुआ है। आप कभी कभी यह रिश्ता सीधे तौर पर, लेकिन आपके जीवन में असाधारण घटनाओं से जुड़ा होता है जो अकल्पनीय लग सकता है, लेकिन आपको चिंता करने या मन में कोई संदेह रखने की आवश्यकता नहीं है। आप महादेव जी की संतान हैं और आपने अपने भाग्य को उसी के अनुसार बनाया है, ब्रह्मांड में बहुत पहले। प्रिय बच्चों, आज मैं आपको ये दिव्य संदेश दे रहा हूँ क्योंकि यह आपके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रासंगिकता है। ऐसे लोग हैं जो आपके पीछे पड़ गए हैं और मुझे आशा है कि यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो आपको यह वीडियो पसंद आएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना समर्थन दिखाएंगे और मुझे अपनी स्वीकृति देना और अपना आभार व्यक्त करना याद रखेंगे। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें।